बच्चों कैसे हैं? आज देखेंगे हम लोग 14 नंबर सवाल। नमस्कार, मैं हूं बापन अनमत फिस में आपका स्वागत करते हैं। तो ये 14 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं कभी कभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, सवाल हम लोग लिखे नहीं है, पहले 12 नंबर सवाल लिखे थे, लेकिन अब 13 नंबर और 14 नंबर सवाल हम लोग लिखे नहीं है। कहा है कि हम लोग 14 नंबर सवाल बोर्ड हम लोग का छोटा है, इसीलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो हम लोग सवाल है किस तरह से किए गए कि धातु से बने खुले बाल्टी का सुनो आकार का छिन्नक है, जिसे खुले बेलन कर आरोपित करते हैं। इस बाल्टी का भीतर 45 और बाल्टी का ऊर्ध्व 40 है, तो इसका बेलनाकार की ऊंचाई 60, उस बेलन पर जो 13 चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो झारखंड बोर्ड से बच्चा है, झारखंड बोर्ड का जो बच्चा है, ठीक है, वो झारखंड बोर्ड वाला बच्चा ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है आप लोगों का, ये वाला सवाल, उस बाल्टी से बने चादर का प्रयोग वो सब जिंदगी में आज तक नहीं आया, ठीक है, मतलब आज तक ये सवाल नहीं आया। अगर सवाल आता है तो उधर से ही आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इसको करना किस तरह से, हम लोग जिस तरह से कराते हैं उस तरह से कर लीजिए। कहीं परीक्षा में जिस तरह से आएगा उसी तरह से हम लोग कर देते हैं, ठीक। देखिए, ये सवाल हम लोग का सवाल 14 नंबर सवाल, पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। दिया है क्या देखे रखा है हम लोग का, व्यास देखे रखा है कितना, एक बार 45 सेंटीमीटर। डी वन कितना देखे रखा है, 45 सेंटीमीटर। और डी टू कितना देखे रखा है, डी टू हम लोग का 25 सेंटीमीटर, डी टू 25 सेंटीमीटर। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना हम लोग का, 40 देखे रखा है, कितना देखे रखा है, 40 सेंटीमीटर। अब देखे, यहाँ पे एक बात समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, यहाँ की उसका बेलन आकार के आधार की ऊंचाई, मैं हम लोग पहले इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो ये गोलाकार जो 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोगों को तो ऊपर पकड़ना नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकल वहाँ पे पानी आटेगा, वहाँ पे तो पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देंगे। कितना हम लोग का 6 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 40 से माइनस 6 तो क्या कर देगा, 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आर वन का मान निकालेंगे, तो आर वन 45/2, 45 से जब हम लोग दो घटा करेंगे तो क्या आएगा, 22.5 सेंटीमीटर। अब आर टू 25 सेंटीमीटर बटा 2, 25 सेंटीमीटर से हम लोग जब भागा करेंगे तो क्या है हम लोग का आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। अब पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते, क्या निकाल लेंगे हम लोग, आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, आयतन आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर 2 प्लस r 1/r2, यह हम लोग निकाल दिए। अब 1/3 तो 1/3 कर देते हैं, अब पाई का मान 22/7 तो 22/7 लगा देते हैं, h का मान कितना हम लोग का, 34 तो 34। अब r का मान क्या है, 22.5 सेंटीमीटर। r 2 का 12.5 तो 12.5 सेंटीमीटर। और 22.5 प्लस 12.5 हम लोग कर दिए इसको। अब 1.3 22/7 तो 22/7, 34 तो 34 कर दिए हम लोग। अब 22 से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 560.25। अब जब 12 की स्क्वायर आएगा तो हम लोग क्या होगा, 28.125। अब दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे, तो क्या है हम लोग का, दोनों को गुना करने पर क्या आएगा हम लोगों का, 5.625, ये हम लोग को गुना करने के बाद आएगा, ठीक है। ये तीनों का क्या करना होगा, हम लोग को गुना करेंगे तो ये हम लोग का टर्म आएगा। अब इन तीनों को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना, तीनों को क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों को जोड़ते हैं, तो 1/3 22/7 तो 22/7 और 34 34। अब तीनों टर्म को जब हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना आएगा हम लोग का, 943.7। ये तीनों टर्म को जोड़ने पर क्या आएगा हम लोग का, 943.7। इन तीनों का गुना करेंगे, 22 34 और 934.3075। और बटन नीचे कितना है, 337 को जब गुना करेंगे तो 7 3 20 1। अरे जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 7059.25.0। अब जब दोनों को भागेंगे तो कितना आएगा हम लोग, दोनों भागने पर 36.5.76 सेंटीमीटर क्यूब। यह हम लोग आयतन आ चुका है। अब हम लोग आयतन, तो इसमें हम लोग पानी तो जो होगा, पानी तो आयतन में नहीं होगा, पानी तो हम लोग लीटर में होगा। जो पानी को हम लापते हैं उसमें हम लोग आयतन को सेंटीमीटर में लापते हैं, इसमें हम लोग लीटर को लापते हैं, तो इसे 3/0 लगा देते हैं हम लोग, सेंटीमीटर को क्या करते हैं, 0 3 3 6 1 5 7 5 6, 1 2 3। जब तीनों तो 1 2 3 इसका कितना होगा, 33.61576 और लीटर। अब जब इसका लीटर आ चुका हम लोग, तो इसको कितना कर देंगे, यहाँ 5 से तो यहाँ 33 लीटर कर देते हैं, 33
लीटर। आशा करते हैं वही आंसर होगा आप लोगों का। 33.33 यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 33.62 यहाँ पे 33.62 लीटर आंसर हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। क्या कि पानी हम लोग सेंटीमीटर में नहीं रख सकते हैं, उसको कितना लीटर में रखना होगा, लीटर में करने के लिए क्या 1000 से हम लोग भाग दे दिए और भाग देने के बाद हम लोग का ये टर्म आ चुका है। तो हम लोग का जितना इंपॉर्टेंट सवाल था इतना इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर लिए हैं। अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग जरूर से जरूर आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए रहेंगे। जय हिंद जय भारत।